दोस्तों अभी किस वीडियो में हम लोग जानेंगे पार्ट थ्री में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा। ओरिजिनल मार्कशीट के अलावा आपका प्रोविजनल यानी माइग्रेशन भी आपको ले लेना है। तो कब तक और कैसे आपको माइग्रेशन लेना है पूरी जानकारी हम देंगे। यदि आप अभी नहीं लीजिएगा कोई भी डॉक्यूमेंट्स, अभी अगर आप फंस जाइएगा तो आगे भी आपको फंसना पड़ेगा और इतना दिक्कत आपको होगा माइग्रेशन लेने में और मार्कशीट लेने में जो आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, मार्कशीट भी ले लेना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वही लोग जो चाहते हैं पार्ट थ्री का मार्कशीट या पार्ट थ्री में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स मिलता है और किस डॉक्यूमेंट्स कहां पर क्या क्या जरूरी होता है, तो हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो प्रवर्जन प्रमाण पत्र अर्थात माइग्रेशन, पार्ट थ्री मार्कशीट, ये सब का क्या क्या उपयोग हो सकता है जानकारी हम वीडियो में पूरा देंगे। अगर अभी तुरंत अगर आपको मार्कशीट चाहिए तो आपको क्या करना है, एक आवेदन लिखना है, पार्ट थ्री का मार्कशीट लेना है, कॉलेज से अप्रूवल प्राप्त करके आपको यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी जाने के बाद आपको वहाँ पर जो है आपका मार्कशीट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप माइग्रेशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है, पार्ट थ्री का एडमिट कार्ड आपको लेना है और फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप लेना है। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन का स्लिप आता है, ओरिजिनल पेपर लेना है, ठीक है, और उसका जीरोक्स करा लेना है, ओरिजिनल भी साथ में रखना है क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको देख सकता है। ये दो डॉक्यूमेंट्स जो है माइग्रेशन लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और माइग्रेशन का काम अगर आप अपना बिहार या अपना स्टेट छोड़ करके किसी अन्य स्टेट में अगर आप नामांकन लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको माइग्रेशन अर्थात प्रवर्जन प्रमाण पत्र की बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लोग को वो प्राप्त कर लेना है। ठीक है, कैसे प्राप्त करना है हमने अभी अभी आपको प्रोसेस समझाया है। आपको क्या कर लेना है, आपको पार्ट थ्री का मार्कशीट लेना है, अगर ऑनलाइन वाला है तो ऑनलाइन वाला, या ओरिजिनल अगर आप कॉलेज से प्राप्त कर लेते हैं तो वो भी, ठीक है। और इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड पार्ट थ्री का लेना है और उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन स्लिप लेना है। और आपको कहाँ चला जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है और काउंटर नंबर 5 पर आप जा करके काउंटर नंबर 1 पर, ठीक है, यानी सबसे कतला काउंटर पर जो है आपको क्या करना है, वहाँ पर वेरीफाई करवा लेना है। 110 से 120 रुपया, 150 से लेकर के 200 का अंदर आपसे रुपया लिया जाएगा, चालान कटाना होगा आपको, फिर आगे वहीं पर बैंक होगा वहाँ जा करके, और फिर आपको जो है वो माइग्रेशन मिल जाएगा। मार्कशीट अगर पार्ट थ्री का लेना होगा तो पार्ट थ्री का मार्कशीट भी मिल जाएगा। तो जो चीज़ भी आपको लेना होगा आप यूनिवर्सिटी जाके अभी प्राप्त कर सकते हैं। तुरंत अगर लेना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कॉलेज में मार्कशीट जो है ओरिजिनल वाला भेजा जाएगा, लेकिन प्रवर्जन प्रमाण पत्र आपको यूनिवर्सिटी जा करके ही लेना होगा। तो अगर आपको लगता है कि आगे 1-2 साल में, 6 महीना 2 महीना में जरूरी हमें पड़ सकता है तो अभी आप जाइए कॉलेज से प्राप्त कर लीजिए, अन्यथा आपको लेने में कॉलेज आपको कम से कम 1 महीने दौड़ाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तुरंत प्राप्त करना तो आप हमारा नंबर सेव कर लीजिएगा, 8582012417। हम आप हमसे बात कर सकते हैं, आपको हम जो वहाँ पे आसान तरीका से दिलवा सकते हैं। ठीक है, प्रयास करेंगे कि आपको जल्दी मिल जाए। तो जो भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, पीछे भी रहता आया है, और आपके सगे संबंधी जो भी है उन्हें भी ज़रूर रिकमेंड करें कि यहाँ पर आकर के आप यूनिवर्सिटी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। यूनिवर्सिटी का सारा अपडेट आपको यूनिवर्सिटी अपडेट में यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप लोग गूगल पर सर्च कीजिए MNC क्लासेस या ये वेबसाइट स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और यहाँ पर आप क्लास 10th की 12th की सारी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट नौकरियां होता है उसकी जानकारी भी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। एक्स वाले स्टूडेंट का भी मार्कशीट साथ में आ जाएगा, और जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, प्रॉब्लम है, वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, तो आप एक्स रेगुलर रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आपके मन में था वो सारा जानकारी मिल गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन पार्ट थ्री में माइग्रेशन, ओरिजिनल प्रमाण पत्र आपको, प्रवर्जन प्रमाण पत्र, ओरिजिनल मार्कशीट, ये सब चीज़ आपको लेकर रखना है, और रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होता है ओरिजिनल वो भी आपको कॉलेज में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको लेकर रखना है। बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए समय रहे तो आप लोग लेकर के रख सकते हैं आराम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।